पहले बात कर लेते हैं सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज भी उनका जारी रहने वाला है। आज कोंडा गांव के टाटामारी को एक बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से मिलने वाली है। सीएम भूपेश बघेल टाटामारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, विकास कार्य की सौगात भी देंगे और करीब 12:25 पर यानी कि करीब 12:30 वापस राजधानी रायपुर लौट आएंगे। तो आज सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम कोंडा गांव के टाटामारी में होगा। कई विकास कार्य की सौगात टाटामारी के लिए, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके बाद सीएम भूपेश बघेल करेंगे और करीब 12:30 राजधानी रायपुर वापस लौट आएंगे। सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम पिछले दिनों लगातार जारी, बस्तर संभाग के दौरे पर वो थे। आज कोंडा गांव के टाटामारी को विकास कार्य की सौगात देंगे, टाटामारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जनता के बीच पहुंचेंगे, रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे कि योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अधिकारी जो लापरवाही बरतते हैं इस दौरान उन्हें लगातार समझाइश भी सीएम भूपेश बघेल की तरफ से दी जाती है, साथ ही गाज भी कई अधिकारियों पर पिछले दिनों गिरी लापरवाही बरतने को लेकर। और आज 12:30 का समय है, करीब 12:30 रायपुर वापस लौट आएंगे सीएम भूपेश बघेल। तो कोंडा गांव के टाटामारी को कई विकास कार्य की सौगात आज वो देने वाले हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का लगातार जारी, पिछले दिनों बस्तर संभाग के दौरे पर रहे कोंडा गांव, कल उन्होंने कोंडा गांव में ही दिन व्यतीत किया अपना। टाटामारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वो करने वाले हैं। जनता से रूबरू होते आ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, काफी सकारात्मक दौरा उनका रहा है, सार्थक दौरा रहा है, क्योंकि जनता भी जब सीएम को अपने बीच पाती है तो कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का कंफर्ट, साथ ही काफी आसानी हो जाती है जनता के लिए अपनी बात सीएम के सामने रखना। और अधिक जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी कुलेश्वर पांडे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे राजधानी भोपाल, राजधानी रायपुर से। कुलेश्वर, क्या कुछ जानकारी आपके पास आज के कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, आज बस्तर दौरे का मुख्यमंत्री का आखिरी दिन है, करीब उसके बाद 12:30 करीब वो रायपुर लौट आएंगे। आपको बता दें कि ये पूरा जो दौरा रहा सीएम भूपेश बघेल का, इस पूरे दौरे में हमने देखा कि लोग किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने अपनी बातों को रख रहे थे और सीएम भूपेश बघेल किस तरह से लोगों से मिल रहे थे, किसानों के घर में खाना खाए, आदिवासियों के घर में खाना खाए और जो मूलभूत सुविधाएं बस्तर क्षेत्र में मिलना चाहिए वो सुविधाएं मिल रही है उसकी जमीनी हकीकत जानने का भी सीएम भूपेश बघेल का प्रयास रहा। इन पूरे दौरे के दौरान लोग अपनी मांगों को खुलकर सीएम भूपेश बघेल के सामने रखे। सबसे ज़्यादा जो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने की मांग जो है बस्तर में वहाँ के छात्रों ने की, वहाँ के लोगों ने की और सीएम भूपेश बघेल ने कई जगह घोषणा भी की है। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए कई वहाँ पे मांगे सीएम भूपेश बघेल के सामने रखा गया, उसको ही पूरा किए। कुल मिलाकर दौरा काफ़ी सार्थक रहा, चूँकि बस्तर का पूरा के पूरा सीट कांग्रेस के खाते में, ऐसे में वहाँ की लोगों की उम्मीद जो है कांग्रेस सरकार से और बढ़ जाती है और ठीक 1.5 साल बाद जो है चुनाव भी है। मुख्यमंत्री का पूरा दौरा को अगर हम देखें तो कहीं भी कुछ खामियां जो है इस बस्तर के दौरान नहीं दिखी। अधिकारी भी मौजूद रहे, अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई, प्रेस वार्ता हुई और लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं मिल रहे कि नहीं मिल रहे इसकी समीक्षा भी सीएम भूपेश बघेल ने इन पूरे दौरे के दौरान किया। साथ ही जो और आगे बेहतर क्या किया जा सकता है बस्तर के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, उसको लेकर भी एक रिपोर्ट जो है तैयार की गई है। कुल मिलाकर अगर हम बोले तो पूरे सीएम भूपेश बघेल का बस्तर दौरा काफ़ी सार्थक रहा है, क्योंकि बस्तर जो है शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है और जिस तरह से 2018 में बस्तर के आदिवासियों वनवासियों ने कांग्रेस पार्टी को पूरी की पूरी सीट वहां की जिताई तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का भी दायित्व काफी बढ़ जाता है कि हम उनके अनुरूप वहां पे काम करें और लगातार सरकार जो उनके अनुरूप काम कर रही है। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडा गांव में रहेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद 12:30 करीब रायपुर लौट जाएंगे। चलिए, यानी कि काफी सार्थक दौरा बस्तर का सीएम भूपेश बघेल, पिछले दिनों बस्तर के दौरे पर थे और आज राजधानी रायपुर वापस लौट आएंगे। शुक्रिया आपका कुलेश्वर इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज 12:30 का समय है जब राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल।